हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का फर्स्ट सैम्पल पेपर। और फर्स्ट सैम्पल पेपर में सेक्शन ए बेटा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था हमारा। अगर वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख लेना। अच्छा, आज की क्लास हम लोग करेंगे सेक्शन बी। और सेक्शन बी में है बेटा 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ नंबर 105 एंड 120। तो एचसीएफ डिफाइन करना है, क्या होता है एचसीएफ? क्या होता है? दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर को प्रॉपरली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अच्छा, 105 और 120 का एचसीएफ फाइंड करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे बड़े वाले नंबर को, इजिकल्स टू छोटा वाला नंबर इंटू एक ऐसी डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके इक्वल की वैल्यू आए या फिर इससे छोटी वैल्यू आए, ठीक है? तो 1 रखेंगे, रिमाइंडर लिख देंगे। तो नेक्स्ट, 105 इज इक्वल्स टू 15 इंटू ऐसा नंबर, या तो इक्वल नंबर आए या फिर कुछ रिमाइंडर बचे। अच्छा, 15 के टेबल में 105 आता है 7 टाइम, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया बेटा? 15। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल हैं एबीसी एंड डीईएफ, एबीसी एंड डी ई एफ। ए की वैल्यू गिवन है बेटा 57 और ई की वैल्यू 73। अच्छा, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, ए बी सी और डी ई एफ, दो सिमिलर ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बेटे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी E की वैल्यू 73 है तो B की वैल्यू भी क्या होगी? 73। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अच्छा, अगर इनको ऐड करते हैं तो 130 आएगा, और 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 50 डिग्री। तो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। हमें क्योंकि एंगल सी फाइंड करना था। एक बार फिर से देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। हमें सिर्फ एंगल ए गिवन था और एंगल सी फाइंड करना था, तो ई इज इक्वल टू बी, दैट्स व्हाई एंगल बी इज इक्वल टू 73 डिग्री। और तीनों ट्राइंगल का जो सम होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे 130, 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू जो है वो कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के, और जो टी पी है और आर एस एन भी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है? पी टी की वैल्यू कितनी की माने हमको? 7 सेंटीमीटर। इधर हमको एस आर की वैल्यू की माने 4 सेंटीमीटर, ठीक है? पी आर हमको फाइंड करना है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, दैट्स वाई पी क्यू जो होगा वो पी टी के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 4 7। नेक्स्ट, जो क्यू आर होगा वो एस आर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? पी आर। पी आर होगा बेटा पी क्यू माइनस क्यू आर, तो 7 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट करना है, ठीक है? 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin² 30 प्लस sec² 30। देखो, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस sec 30 होती है 2/√3, और ये होगा बेटा 1। अच्छा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की होती है √3/2। हो गया 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1, हो गया 1/4 प्लस 3/4।
अच्छा इधर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 5 15 प्लस 64 और माइनस 12 अपॉन ये होगा 4 और 1 प्लस 3। देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 79 माइनस 12 अपॉन 12 और 4 बाय 4, 4 बाय 4 का कट जाएगा ठीक है, तो क्या आएगा 79 माइनस 12 बाय 12 दैट इज इक्वल टू 67 बाय 12। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 2, sec 30 की वैल्यू 2 बाय रूट 3, tan 45 की 1, सिमिलरली sin 30 की 1 बाय 2 और cos 30 की √3/2, और वैल्यू पुट करके क्या करना है सॉल्व करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो, अच्छा यहाँ पे ना ये साइन 60 है। देखो √3 + 1 और 3 − 30 इज गस टू 10³ 60 − 2 sin 60 ठीक है, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो पहले वाले चीज देखो √3 + 1, 3 cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√3 − 3, क्योंकि √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा और +3 और -√3, तो 3√3 में से 1√3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 2√3। अब ये RHS देखते हैं, tan³ 60 − 2 sin 60। देखो tan³ 60, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3, √3 का क्यूब माइनस √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 का क्यूब क्या होगा बेटा 3√3, 3√3 − √3 दैट इज इक्वल्स टू 2√3। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज 3 पाई सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा होता है थीटा अपॉन 362 पाया, थीटा अपॉन 362 पाया, तो लेंथ कितनी गिवन है 3 पाई। अभी थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इंटू 360 इंटू 2 पाई, और रेडियस कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, थीटा की वैल्यू होगी 3 × 360 / 2 × 6, तो 3 से कटेगा 2 बार में और 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 90 डिग्री। तो बच्चों आज हम लोगों ने सेक्शन बी कंप्लीट करा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में उनको जरूर बताया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं बस। और अगर आप लोगों को इसी तरीके के और सैंपल पेपर चाहिए तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय।